नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक बिहार और मैं आपका भाई सम्राट सचिव। तो अभी हमारे साथ रवि मौर्य जुड़ चुके हैं जो कि मौर्य शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर, आप यहाँ पे आए किस लिए हैं? हम लोगों को जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से या संगठन के साथियों के माध्यम से पता चला जी, एक गरीब मजदूर परिवार की बेटी जी, जिसने नशा पर गाना गया जो पूरे भारत का इंटरनेशनल लेवल पर देश विदेशों में भी इस गाना को लोगों ने सुना जी, और सराहा जी। नशा मुक्ति जो है, नशा बंद केवल भारत में सम्राट अशोक के शासन काल में ही हुआ है जी। पूर्णतः नशा बंद सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ है और ये नशा मुक्ति गाना पूरी तरह सम्राट अशोक के शासन काल को याद दिलाता है। तो हम वंशज होने की वजह से इस बच्ची को सम्मानित करने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में जी जो भी सहयोग इसको होगा, हम लोग अपने तरफ से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे जी। ये बताएंगे आपके साथ कौन कौन से लोग आए हैं? और हम लोगों के साथ पूरी एक टीम से आए हैं लोग, कई एक साथी लोग आए हैं जैसे श्याम नारायण मेहता जी हुए, विमल जी हुए, आपके गार्जियन हैं हमारे विष्णु चंद सिंह, अनुज जी हैं, राकेश जी आए हुए हैं, संजय जी हैं, कई एक साथी और भी कई लोग बाहर से आए हैं, निरंजन जी, जोगेंद्र जी हम लोगों के साथी हैं, शोभनाथ जी, कई एक लोग आए हुए हैं और हर तरह से मदद करने का हम लोग प्रयास करेंगे जी। जहाँ तक हमें पता है कि लड़की भी आप ही के समाज से बिलोंग करती है, मौर्यवंशी समाज से, तो इतना समय क्यों लगा सर? इतने दिन पहले वायरल हुई थी लेकिन आपको आने में इतना समय क्यों लगा? हमने 4 बार संपर्क करने का कोशिश किया। कल हम इससे पहले भी तो लोग पटना चले गए थे जी, कल हम आधे रास्ते से आकर लौट गए, कहीं बच्ची चली गई थी पता ये चला जी। तो आज जैसे ही पता चला हम लोग आकर के सम्मानित करने का काम जी। तो आप अपने माध्यम से हमारे समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? चाहेंगे कि समाज में जो भी मूलभूत समस्या है, जिसकी भी मूलभूत समस्या है या कोई कमजोर है, उसे हम लोग हर संभव मदद पहले से भी करते आ रहे हैं और आगे भी मदद करके उसे विकास की श्रेणी में लाने का काम करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी हमारे तिरथु प्रखंड के जाने माने युवक हैं और मुख्य प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो आप अपने तरफ से क्या मदद करना चाहेंगे? हम अपने तरफ से इस बेटी को शिक्षा के लिए जी, कई समाज का कार्यक्रम करके जी, इसको शिक्षा के लिए गोद लेने का कार्यक्रम है। बाबूगंज खेल मैदान में कई समाज को जी, बहुत सारे देश प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि का जमावड़ा होगा और उसी मंच पर इस बेटी को गोद लेने का प्लानिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा ये बताइए सर, आप भी बहुत जाने माने इंसान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे बच्ची के लिए? बच्ची के शिक्षा के लिए जी, जब जब जरूरत पड़ेगा जी, हम एक खड़े हैं। क्या बात है, मतलब इनके साथ इनका पूरा समाज साथ दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।